हेलो डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस लेवल वन क्वेश्चन 141 फोर्टी वन टू वन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 141 इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय तो हमारे पास जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है वो होता है माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर दैट मीन्स जो एनर्जी है वो एटोमिक नंबर और एन पे डिपेंड करती है अब हमारे पास हाइड्रोजन एटम की यदि बात करते हैं आप तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी तो हमारे पास एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स अपॉन एन स्क्वायर दैट मीन्स जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी किस पे एन स्क्वायर पे। ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन ए की ओनली एन की वैल्यू पे ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट है वन फोर्टी टू हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव एन स्क्वल टू थ्री एल टू टू तो हमारे पास एन थ्री है और एल टू है तो हमारे पास एल की वैल्यू आप ज़ीरो रखें वन रखें टू रखें तो हमारे पास कौन से सबसे होंगे एस पी और डी तो यहाँ पर कौन सा सबसे आ जाएगा 3d जिसमें मैक्सिमम हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 3d 10 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें ऑक्युपाई हो सकते हैं या इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड कैलकुलेट करते अपन 2 इंटू टू प्लस वन से l की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2 इंटू टू प्लस वन तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी टू इंटू फाइव टेन इलेक्ट्रॉन तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वन फोटी थ्री हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव एन इज्कल टू फोर एल इज्क्ल टू टू एम इज्क्वल टू माइनस टू एंड एस इज्क्वल टू प्लस हाफ तो हमारे पास यहाँ पर क्या है ये फोर्थ शेल है फोर्थ शेल में भी कौन सा सब सेल है डी ठीक है तो यहाँ पर फोर डी सब में हमारे पास फाइव फोर बाइटल्स होंगे वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है इनकी वैल्यूज़ अपन m की वैल्यूज रखें तो माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू ठीक है अब इसमें सिर्फ केवल m की वैल्यू माइनस टू अब माइनस टू में भी हमारे पास यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं बट एक ही स्पिन का प्लस हाफ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया हुआ है तो ये सारे कॉन्फिग्रेशन मैच करेगा किसके लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है वन फोर्टी फोर नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन द डी जेनरेशी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दैट मीन्स एन इज टू टू फॉर हाइड्रोजन एटम इज हाइड्रोजन एटम जो होता है वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज होती है यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो एनर्जी होती है एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन स्मॉल एन स्मॉल एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है तो किस तरह से ये डिपेंड करता है जैसे कि हम पर ने एनर्जी एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा हाइड्रोजन एटम के लिए तो हमारे पास एन की वैल्यू वन रखते हैं तो वन एस टू एस और टू पी की एनर्जी सेम होगी यहाँ पर थ्री एस थ्री पी थ्री डी की एनर्जी सेम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में म्यूचुअल रिपल्शन नहीं होता है फोर हाइड्रोजन एटम अब यहाँ पर अपने को क्या बोल रहा है की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एन इज क्वाल टू टू में टोटल डी जनरेसी कितनी होगी डी जनरेट और बैटल्स की बात मेनली ये पूछ रहा है तो टू एस में हमारे पास यहाँ पर एक और बैटल हो जाएगा और टू पी में हमारे पास थ्री और बैटल्स हो जाएंगी तो डी जनरेशी यहां पर फोर होगी तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक नेक्स्ट है वन फोर्टी फाइव नॉट कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉन स्पिन द डी जनरेशी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आइटम इज नाइन यानी एन इजक्वल टू थ्री रखते हो तो नाइन आ रही है ऐसा क्यों क्योंकि थ्री से हमारे पास थ्री एस थ्री पी और थ्री डी थ्री एस में हमारे पास एक और बाइटल है थ्री पी में हमारे पास थ्री और बाइटल हो जाएंगे और थ्री डी में हमारे पास फाइव हो जाएंगे तो टोटल तो नाइन और बाइटल है तो डी जनरेशी नाइन है सही है वाइल द डी जनरेशी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एच माइनस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी एन इज इक्वल टू टू और एच माइनस में हमारे पास क्या है टू इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं तो ये हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई ठीक है तो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के केस में हमारे पास क्या होगा कि इनिशियली जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो वन एस सेल में था नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप लेके आओगे एच माइनस वो किस में जाएगा एक्साइट होके वन एस से टू एस में चला जाएगा ठीक है तो यहां पर एक वन आएगा और यहाँ पर टू एस पे वन आ जाएगा तो यहाँ पर आप क्या स्टेटमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गया है उसके लिए डी अपने को पूछा गया है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो यहाँ पर हमारे पास 2s के पास में कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल है केवल एक ही ऑर्बिटल अवेलेबल है जिसकी एनर्जी 2s के बराबर है तो यहाँ पर डी क्या होगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ h माइनस की ओनली वन तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा तो इसको एक्सप्लेनेशन में अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ भी है तो यहाँ पर फोर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट अपने पास एन इक्वल टू टू है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके लिए क्या होगा कि वन से टू में जाना पड़ेगा टू के लिए ऑर्बिटल हमारे पास केवल एक है तो यहाँ पर आंसर वन होगा ठीक है नेक्स्ट है वन Which orbital has only हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ वेव फंक्शन एट ऑल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ये अपने को पता करना है इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि अपने को इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज सिंपली देखनी है तो वन एस और बाइटल जब अपन बनाते हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में हमारे पास फर्स्ट सेल वन एस आ गया उसके बाद में टू एस सेल आएगा इनके बीच में हमारे पास एक रेडियल नोड होगा ठीक है तो हमारे पास केवल वन एस सेल में देखें तो हमारे पास वेव फंक्शन यानी इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में जो भी पैरामीटर्स होंगे वो सभी क्या होंगे सेम होंगे बट 2s सेल में भी आप देखेंगे तो कुछ जगह हमारे पास एम्पलीट्यूड जीरो होगा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा जो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ही रखता है वेव फंक्शन के लिए तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है 147 फोर्टी सेवन फोर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स एज गिवन बिलो विच इलेक्ट्रॉन इन एट द हाइस्ट एनर्जी लेवल सबसे हाइएस्ट एनर्जी लेवल पे कौन सा है तो एन प्लस एल की वैल्यू अपने पास हाइयर होगी तो हमारे पास क्या होगा एनर्जी की वैल्यू भी हाइयर होगी एनर्जी शुड भी हाई ठीक है तो यहाँ पर एन प्लस एल का समीशन अपन करें तो एन प्लस एल की वैल्यू होगी यहाँ पर फोर यहां पर फाइव यहाँ पर हमारे पास एन प्लस एल की वैल्यू होगी थ्री यहां पर फाइव तो फाइव फाइव आ रहा है तो यहाँ पर अपन क्या देखेंगे यदि ये सेम आ रही है तो हमारे पास एन की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो एनर्जी भी क्या होगा इंक्रीज़ करेगा तो एन की वैल्यू ज़्यादा कहाँ है पे? यहाँ पर तो यहाँ पर भी एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है वन फोर्टी एट द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एन इजक्ल टू थ्री एल इजक्ल टू टू एम एल इजक्ल टू जीरो ये हमारे पास क्या डिस्क्राइब कर रहा है ये हमारे पास थ्री डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन एक प्रेजेंट है उसको डिस्क्राइब करेगा कि हमारे पास थ्री डी में आप इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो हमारे पास माइनस वन सॉरी माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू ठीक है तो यहाँ पर अपने पास ये डी सबशेल का इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर पहला ऑप्शन है डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन इन्हें टू एस नहीं इज नॉट अलाउड नहीं ये भी ठीक है डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन इन ये थ्री पी नहीं डिस्क्राइब्स वन ऑफ द फाइव ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी यहाँ पर एक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब कर रहे हैं पांच ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी के हैं तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है वन फोर्टी नाइन द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एन इज्क्ल टू टू एल इज्क्ल टू टू तो यहाँ पर ये यह जो एल इज्क्ल टू टू बोला गया ये पॉसिबल नहीं है कि जो एल की वैल्यू होती है वो हमेशा जीरो टू माइनस एन माइनस वन तक होती है तो यदि एन की वैल्यू आप टू रख रहे हो तो हमारे पास एल की वैल्यू जीरो और वन हो सकती है दैट मीन्स एन जो होगा वो एल से हमेशा ज़्यादा होगा आलवीज यदि ऐसा नहीं दिया हुआ है वो तो इनकरेक्ट है तो यहाँ पर ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ये जो दिए गए क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट है कंसिडर द आर्गन एटम फॉर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दिस एटम हैव एम एल इक्वल टू प्लस वन तो आर्गन 18 होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन अपन लेके 1s2, 2s2, टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स अब हमारे पास एम एल की वैल्यू प्लस वन है दैट मीन्स एल की वैल्यू अपने पास क्या होगी वन हुई होगी एल की वैल्यू वन होगी तभी एम एल की वैल्यू क्या होगी माइनस वन जीरो और प्लस वन और एल की वैल्यू वन हमारे पास किस सब सेल के लिए होती है पी सब सेल के लिए एस सब सेल के लिए हमारे पास जो एल की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होती है जीरो होती है तो यहाँ पर केवल टू पी और थ्री पी की वैल्यूज़ को ही अपन कंसिडर कर रहे हैं और इनमें भी केवल एम एल वन वाली को तो यहाँ पर अपन टू पी सिक्स बढ़ते हैं तो आप सिक्स इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन्स में से हमारे पास यहाँ पर माइनस वन जीरो प्लस वन ये एम एल की वैल्यूज़ होंगी एम एल की जो वैल्यूज़ होती है वो हमारे पास होती है माइनस एल टू प्लस एल और एल की वैल्यू यदि हमारे पास वन है तो एम एल की वैल्यू हमारे पास होगी माइनस वन जीरो प्लस वन ठीक है तो यहाँ पर है जीरो वैल्यूज़ रखने वाले केवल दो इलेक्ट्रॉन हैं इसी तरह से इस थ्री पी सिक्स में भी हमारे पास जीरो वैल्यू रखने वाले दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो जीरो वैल्यूज रख रहे हैं एम की वो कितने हो गए फोर तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा